तो आज के हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एक्सेल के अंदर प्रोटेक्शन मेथड की। देखिए प्रोटेक्शन जो है काफी ज्यादा यूजफुल होता है एक्सेल में डेटा को वैलिडेट करने के लिए और डेटा को सही ढंग से एंट्री करने के लिए। तो प्रोटेक्शन आपके सामने आएंगे, मतलब कि आप चाहते हो कि आपके मर्जी के बगैर या आपके नॉलेज के बगैर कोई भी आपको डेटा के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ ना कर सके, वो प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन में सिर्फ पासवर्ड डालना ही नहीं, उसमें बहुत और भी बहुत सारे ट्रिक्स जो है जो कि आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो क्लास बहुत मजेदार है बट छोटा है, ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। तो मेरे पास आप देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा डेटा सीट है। मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इसमें डेटा एंट्री ना कर सके। तो ये कोई बड़ी बिग डील नहीं है, मोस्टली लोगों को पता होता है कि सीट के ऊपर जाना है, प्रोटेक्ट सीट पे जाना है और पासवर्ड डाल देना है। लेकिन ध्यान रहे, पासवर्ड जब भी आप डालते हैं तो यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्लियर आपको बोल रहा है, इफ यू लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड कैन नॉट बी रिकवर। हालांकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो पासवर्ड को क्रैक कर देते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। इसलिए आप जो है पासवर्ड उसी तरह से रखें जो आपको याद हो। तो पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद यहाँ आप कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते, ये जनरल सी बात है। और हमने सीट के ऊपर राइट क्लिक किया, आप जो है यहाँ होम मेनू बार के अंदर भी फॉर्मेट पे भी होता है प्रोटेक्ट, या रिव्यू के अंदर भी आपका होता है प्रोटेक्ट, यहां से प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहां देखिए प्रोटेक्शन के बाद मैं किसी तरह का डेटा चेंज नहीं कर पा रहा हूं, किसी तरह का डेटा को फॉर्मेट नहीं कर पा रहा, राइट? तो क्या हम पासवर्ड डालने के बाद भी कुछ कर सकते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ जो पासवर्ड डालने के बाद भी हो सके, मतलब एक लिमिटेड हम ये देना चाहते हैं, लिमिटेड परमिशन देना चाहते हैं, दे सकते हैं। जो आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक आता है अलाउ और यूजर वर्कशीट टू, मतलब कि इतने जो फीचर्स आप देख रहे हैं सारे फीचर्स आफ्टर द प्रोटेक्शन इस पे आपने क्लिक किया है। तो डिफॉल्ट जो होता है, बाय डिफॉल्ट जो होता है सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल क्लिक होता है। ये क्या होता है, सिलेक्शन करने की। देखिए सेल के दो टाइप होते हैं, लॉक्ड और अनलॉक्ड, ऐसे पता करेंगे हम आपको अभी आगे थोड़ा देर में बताएंगे। फिलहाल आप जान जाइए कि लॉक्ड सेल और अनलॉक्ड सेल, जो लॉक्ड सेल को मतलब कि लॉक अनलॉक के मतलब कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा, उसके अलावा जैसे फॉर्मेट सेल कर देंगे और पासवर्ड डाल दीजिए तो हम कुछ टाइप तो नहीं कर सकते बट सेल को फॉर्मेटिंग कर सकते। उसके बाद यहाँ आपके पास फॉर्मेट रो है, रो का कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, कोई इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर यूज कर सकते हैं, पिवट यूज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे चेंज कर सकते हैं, किसी सिनेरियो को बना सकते हैं, राइट? लेकिन मेरा काम कुछ और है, मैं चाहता हूं कि पासवर्ड डालने के बाद बंदा चेंज तो नहीं कर पाता है किसी तरह की, बट डेटा को कॉपी करके कहीं और ले जा सकता है। यहाँ पे देखिए मैं चाहता हूं कि बंदा डेटा भी कॉपी ना कर पाए, मैं कोई भी पर्सन डेटा कॉपी ना कर पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सिंपल है, प्रोटेक्ट शीट पे जो यहाँ पे अलाउ दिख रहा है सिलेक्शन का, क्योंकि कॉपी को तो नहीं रोक सकते, कॉपी नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सेल, वो पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन कॉपी करने की जरूरत क्या पड़ती है, सिलेक्शन की। बगैर सिलेक्शन की कोई कॉपी तो होगा नहीं सर। तो मैंने यहां से सिलेक्शन की अलाउ जो है उसको हटा दिया पासवर्ड डाल के, अब मैं कहीं क्लिक ही नहीं कर पाऊंगा तो सिलेक्ट तो कर ही पाऊंगा नहीं। अगर किसी ने बाय डिफॉल्ट कॉपी भी कर दिया तो एक सिंगल सेल होगा जिसपे पासवर्ड डालने से पहले कर्सर था, तो वो ब्लैंक सेल पे रख दीजिएगा। ठीक है भाई जी। जी सर, अब इसमें अगला जो ऑप्शंस आते हैं, अगले ऑप्शंस में तब बढ़ते हैं कि मैं चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना, मतलब पूरा एरिया प्रोटेक्ट हो, पासवर्ड ना डले, लेकिन इस येलो एरिया पे हम कुछ चेंज कर सके।
तो थोड़ा देर पहले भी बात की थी हमने, और ये बता रहा हूं कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेन ऑफ द लॉक्ड सेल। अब ये लॉक्ड सेल क्या होता है, चलिए अब इस लॉक्ड सेल के ऊपर बढ़ते हैं। तो जो जो सेल किसी भी सेल डिफॉल्ट जो होता है लॉक्ड होता है, मतलब फॉर्मेट सेल के अंदर प्रोटेक्शन वाले टाइप में इस लॉक्ड पे क्लिक है, ये लॉक्ड सेल है। मतलब लॉक्ड मतलब कि पासवर्ड को इस समर्थन दे रहा है, ठीक है, लॉक्ड है। अगर मैं इसी को अनचेक कर दूंगा तो ये अनलॉक्ड हो जाएगा, मतलब कि पासवर्ड से अपना समर्थन हटा लेगा, जिससे जहां से हटाएगा उस एरिया पे पासवर्ड वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने इस येलो एरिया के ऊपर राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट सेल पे गया और लॉक्ड को अनचेक करके ओके कर दिया। अब अभी भी काम हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक लॉक नहीं किया है, तो सेल को प्रोटेक्ट शीट पे जाएं और कुछ मत करें, पासवर्ड डाल के ओके कर। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं टाइप नहीं होगा, बट येलो एरिया पे हम टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए टाइप हो रहा है। अगर इसी का उल्टा करना चाहूं, मैं चाहता हूं कि इस रेड एरिया जो है वो हमारा लॉक्ड रहे, रेस्ट ऑफ द रेड एरिया अनलॉक्ड रहे, तो क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा। हमने क्या किया था, इस एरिया को अनलॉक किया था, बाकी लॉक डिफॉल्ट था। अब इसमें क्या करेंगे, इस एरिया को लॉक रखेंगे, बाकी एरिया अनलॉक्ड होगा। तो हम सबसे पहले वन और ए के बीच जो ट्रायंगल होता है उस पर क्लिक करेंगे, जिससे मेरा पूरा का पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और यहां से लॉक्ड को हटा दिया। मतलब कि अब मैं पासवर्ड लगाऊंगा ना तो पूरा का पूरा सीट कहीं भी टाइप कर सकता हूं, लेकिन इस एरिया पे नहीं करना है। तो इस एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और लॉक्ड पे क्लिक कर। तो अभी मैंने सीट थ्री में इस रेड एरिया को छोड़ के बाकी सारा अनलॉक्ड है। मतलब कि मैं पासवर्ड लगा देता हूं तो यहां मैं किसी तरह का टाइप कर सकता हूं, बट यहां नहीं कर सकता। तो अभय जी एंड अखिलेश जी, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं सर, क्लियर है सर। अभय जी आपको, अब यहां पे बात आती है कि इसका बेनिफिट्स क्या है। तो चलिए एक छोटा सा डेटा एंट्री शीट बनाता हूं ताकि आप इनकी बेनिफिट्स को समझ सकें। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ एमआरपी, यहाँ अमाउंट, कमीशन, जीएसटी, टोटल, डेट, टाइम, जोन। तो ये भी क्या है, अमाउंट जो है वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। कमीशन 2% ऑफ द अमाउंट है, जीएसटी 18% ऑफ अमाउंट है, और यह आपका टोटल। अब क्या है कि जब मैं टाइप करता हूं, मैंने यहां पे टाइप किया पूजा, क्वांटिटी में रखा अमाउंट, और जैसे टैब प्रेस करूंगा देखिए इस तरह से हो गए, यहाँ पे डेट, यहाँ पे टाइम, यहाँ जो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मेरा ये जो सेल दिख रहा है आपको, जो चार सेल है आपकी, वो फॉर्मूला कैलकुलेटेड, तो मुझे अपडेट टाइप करने के लिए चार कॉलम को पार करके यहाँ पे जाना पड़ता है, मतलब करीब 4 सेकेंड हमारा वेस्ट हो जाता है। दूसरा, कोई भी जान सकता है इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर इन पे जाए ना, एमआरपी लिखूं तो डायरेक्ट मेरा कर्सर यहां से यहां जंप, जिससे मुझे हर एंट्री पे 4 सेकेंड बच जाए और मेरा फॉर्मूला भी कोई देख ना सके।
तो सेम जो हमने सीट थ्री पे किया है वही सीट फोर पे करेंगे। पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, अनलॉक कर देंगे, अनलॉक कर देंगे। तो वापस यहां आते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और लॉक लगा दें, राइट क्लिक, यहां पे हम और टैग शीट पे जाते हैं। यहां बस एक छोटा सा एक ट्रिक्स करेंगे सर। ट्रिक्स क्या होगा, ट्रिक्स होगा कि यहां जो सिलेक्ट लॉक सेल है उसको हटा दे, सिलेक्ट लॉक सेल को मैं यहां से हटा दी एंड ओके कीजिए। अब देखिए, अब मैं यहां से दिख रहा है आपको, पर्सन नहीं जा पा रहा है। किसी तरह की एंट्री हम यहां कर सकते हैं, करेंगे मोहन, ठीक है, देखा आपने टैब बैक चला गया वहां पे। तो अब कर्सर में ले ही नहीं जा सकता वहां, मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई फॉर्म वगैरह आप बना रहे हैं कि नेम हो गया, यहाँ पे रोल नंबर हो गया और यहां मेरा मार्क्स हो गया और इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं चाहता हूं जो मेरा कर्सर है अभी सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों को सेलेक्ट करेंगे, और यहां से इसको हटा देते हैं और सीट फाइव में जाते हैं, प्रोटेक्ट शीट, और यहां से लॉक को हटा देते हैं। तो मेरा कर्सर इन तीनों के अलावा कहीं और नहीं जाएगा। जैसे पूजा लिखा, एंट्री मारा, यहां पे कर्सर है, ओम लिखा, यहां पे मार्क्स आ गई 28, ठीक है। तो अभय जी और अखिलेश जी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अखिलेश जी, अभय जी, आपको कोई प्रॉब्लम है? अब इसमें अगला ऑप्शन जो हम बात करेंगे, हम बात करते हैं कि एक मल्टीपल एरिए को प्रोटेक्शन से बाहर रखना। उससे पर एक चीज और है कि मैं चाहता हूं कि कर्सर मेरा जाए बट फॉर्मूला ना दिखे। यहाँ पे क्या था सीट फोर में कि मेरा फॉर्मूला नहीं दिख पा रहा, लेकिन क्लिक नहीं कर पा रहा था ना। मैं चाहता हूँ कि ऊपर जो दिख रहा है ना, इसी को हिडन कर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट सेल के जो हिडन वाला है ना, इसको क्लिक करना, पासवर्ड डालिए, देख रहा नहीं दिख रहा है, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, जिसपे जिसके पासवर्ड फॉर्मूले में आपने हाइट पे क्लिक कर दिया है, तो फॉर्मूला यहां नहीं दिखेगा। अब बारी आती है कि मुझे एक ही सेल के अंदर, एक ही सीट पे दो डिफरेंट डिफरेंट एरिया है या दो से ज्यादा भी है, मुझे अलग अलग पासवर्ड लगा। मान लीजिए मिस्टर ए का एरिया है और एन हमारा मिस्टर बी का एरिया है। मैं चाहता हूं मिस्टर ए बी के एरिया में छेड़छाड़ न कर सके और मिस्टर बी ए के एरिया में छेड़छाड़ न कर सके। तो राइट क्लिक, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड डालेंगे, नहीं इससे नहीं होने वाला, आपको जाना होगा उसके लिए रिव्यू टैब। तो आपको सेलेक्ट, पहले सेलेक्ट एरिया को सेलेक्ट कीजिए, रिव्यू टैब में आपको यहां दिखेगा अलाउ एडिट रेंज, न्यू पे जाइए, यहां पे अपना पासवर्ड को कंफर्म कीजिए, फिर अगेन न्यू पे क्लिक करें और यहां से जो रेंज है, रेफरेंस सेल है, और मिस्टर बी का सेलेक्ट कर लें,
और यहां पे मिस्टर बी के लिए डिफरेंट फास्ट पर सिलेक्ट करें, पासवर्ड को कंफर्म करें एंड ओके। ऐसे जितने भी रेंजेस है उसके अलग अलग पासवर्ड डाल दीजिए, बाद में अप्लाई करके ओके कर। अभी भी टाइप हो रहा है ना, तो ये सब अप्लीकेबल कब होगा, जब हम सीट में प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट शीट पे गए, पासवर्ड डाल के ओके कर दिया। अब क्या होगा कि मैं यहाँ बाकी जो कलर एरिया है उस पर तो टाइप नहीं कर सकता, बट इस पे कर सकता हूँ। लेकिन करने से पहले मुझसे पूछेगा पासवर्ड, जैसे मैंने इसे पासवर्ड डाल के एंट्री किया, अब इसमें मैं टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं जैसे ही यहां आऊंगा, अगेन मुझसे पासवर्ड पूछेगा, और ये पासवर्ड तब माने पासवर्ड पूछेगा और पासवर्ड गलत डाला तो नहीं एंट्री करने देगा। और इस पर एंट्री कर सकता हूँ, मैं पासवर्ड डाल चुका हूं, हर बार पासवर्ड नहीं मांगेगा। पासवर्ड कब तक रहेगा, तब तक आपकी फाइल री ओपन नहीं होती, री ओपन होते ही अगेन पासवर्ड मांगेगा। क्लियर है, क्लियर जी, अभय जी? ओके सर। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि मैं सीट को डिलीट ना कर सकता, तो प्रोटेक्ट शीट के बगल में आपको रिव्यू टैब में आपको दिखेगा प्रोटेक्ट वर्कफ्लो। तो यहां पर पासवर्ड डाले कंफर्म कर दिया, तो अब क्या होगा कि सीट के ऊपर किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं होगी, ना इंसर्ट कर सकते ना डिलीट कर सकते ना रिमूव कर सकते, भी नहीं कर सकते, ठीक है सर। लेकिन फाइल हमारा ओपन हो सकता है। मैं चाहता हूं फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डल जाए, तो आप आपकी फाइल बिल्कुल नई है, सेव करने जा रहे हैं, और सेव करते समय आप यहां टूल्स में आपको दिखेगा जनरल ऑप्शन, पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई, दो पासवर्ड आप डाल सकते हैं। लेकिन इससे आपका फाइल माने कि सेव हो जाएगा, सेव होने मतलब है कि डिफरेंट नाम डिफरेंट लोकेशन। देखिए ऑलरेडी फाइल आपका सेव है, आप चाहते पासवर्ड को डालना, तो इन्फो के अंदर ही आपको दिखेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, उसी में सबसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन होगा एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, क्लिक कीजिए और यहां पे अपना पासवर्ड डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा आपको ओपन पासवर्ड, मतलब जब तक फाइल में आप पासवर्ड नहीं डालेंगे, आप पासवर्ड फाइल को ओपन नहीं कर सकते। क्लियर है सर? यस सर। ये थी हमारी प्रोटेक्शन की क्लास। अब आप लोगों के पास कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर डाउट लाने के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।